हेलो बच्चों, तो आज मैं वीडियो लेके फिर से आ गई हूँ। आज की वीडियो है बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं पांच बर्ड्स के नेम, ठीक है बच्चों? और मैं उनकी पूरी डिटेल्स आपको बताने वाली हूँ और वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहें, ठीक है बच्चों? तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बच्चों पैरोट। आप तो जानते होंगे पैरोट मीन्स तोता। हाँ बच्चों, तो आज मैं तोता के बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है? तोता देखो, पैरोट, PARROT इंग्लिश में होता है पैरोट। पैरोट मीन्स हिंदी में कहते हैं हम तोता, ठीक है बच्चों? तो तोता जो है बच्चों, ये हरे रंग का होता है ना? ये 10 से 12 इंच लंबा पक्षी होता है, जिसके गले पर एक लाल कंठर होती है ना बच्चों? तोता जो है बच्चों क्या खाता है जानते हो? तोता है बादाम, अमरूद, सेब, ककड़ी, खीरा, शाकाहारी होता है तोता, ठीक है बच्चों? तोता जो होता है शाकाहारी होता है और ये फल सब्जियां खाता है और ये मुलायम चीज़ों को खाना ज़्यादा पसंद करता है। तोता का मुख्य भोजन जो होता है बच्चों, फल और कुछ सब्जियां हैं, जिसे ये अपने पंजों से पकड़कर यम 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 करके खाते हैं, है ना बच्चों? तो तुमने तोता के बारे में समझ लिया ना कि तोता कैसे होते हैं? तोता हरे कलर के होते हैं, हाँ, और 10 से 12 इंच लंबा ये पक्षी होता है, ठीक है बच्चों? चलिए, तो हमने तोता के बारे में जान लिया, अब हमारी बारी है। नेक्स्ट है मोर। हाँ बच्चों, देखा ना मोर कितना अच्छा है, सबको अच्छा लगता है ना मोर? जी हाँ, मोर को इंग्लिश में कहते हैं पीकॉक, ठीक है बच्चों? पीकॉक, PEACOCK, पीकॉक। पीकॉक मीन्स मोर। चलिए बच्चों, तो हम पीकॉक के बारे में जानते हैं, ठीक है? पक्षियों का राजा होता है मोर, ठीक है बच्चों? जी हाँ, पक्षियों का राजा होता है मोर। इसके सिर पर जो होता है बच्चों, कलंगी लगाई होती है, ये बचपन से उसमें, जब से वो जन्म लेते हैं तब से लगी हुई होती है। मोर का अद्भुत सुंदर्य देख करके भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था बच्चों। हमारे भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है, ठीक है बच्चों? हमारे पड़ोसी देश जो म्यांमार है, पड़ोस में ही जो है देश, उसका भी राष्ट्रीय पक्षी जानते हैं कौन है बच्चों? मोर ही है। हाँ बच्चों, मोर लगभग कितने साल जीवित रहता है पता है क्या आपको? नहीं ना पता है, मैं बताती हूँ। मोर लगभग 20 से 25 साल जीवित रहता है। और पता है बच्चों, मोर जो होता है ना, वो तैर नहीं सकता है, इसका कारण उनके पैर होते हैं, है ना बच्चों? चलिए, तो हमने मोर के बारे में भी जान लिया, बहुत मज़ा आया ना? अब नेक्स्ट जो है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा गौरैया, है ना? गौरैया, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पैरो। स्पैरो मीन्स गौरैया, ठीक है बच्चों? चलिए, तो अब इसके बारे में हम जानते हैं। गौरैया जो होता है बच्चों, वह पक्षियों के पैशर वंश की एक जीव वैज्ञानिक जाति है, जो विश्व के अधिकांश भागों में पाई जाती है। सबसे पहले ये बच्चों, यह एशिया, यूरोप और भूमध्य सागर के तटवर्ती क्षेत्रों में पाई जाती थी, लेकिन हम लोगों ने, मनुष्यों ने इसे विश्व भर में फैला दिया है बच्चों, है ना? यह मानवों के समीप कई स्थानों में रहती है, हम लोग के आसपास ही रहती है बच्चों। आप लोग भी देखते होंगे गौरैया को, छोटी छोटी चिड़िया होती है वो, है ना, जो इतने सारे छुक्कू दगते रहते हैं ना, वो स्पैरो है ना, उसको स्पैरो कहते हैं। गौरैया, जिसे हम हिंदी में गौरैया कहते हैं, और ये नगर बस्तियों में आम तरीके से मिल जाती है ना बच्चों, हर जगह पाई जाती है ये स्पैरो। चलिए बच्चों, तो स्पैरो जान लिए ना, छोटी छोटी जो चिड़िया होती है जो कुदकती रहती है, उन्हें कहते हैं स्पैरो, गौरैया, ठीक है, गौरैया है वो। चलिए, अब नेक्स्ट हम जानते हैं बच्चों पिजन के बारे में। हाँ बच्चों, पिजन, पिजन सबको पसंद है ना, कबूतर। हाँ, पिजन को हिंदी में कहते हैं कबूतर, ठीक है बच्चों? स्पेलिंग क्या हुई इंग्लिश की? इसकी इंग्लिश हुई पिजन, PIGN,
EON, पिजन। पिजन मीन्स कबूतर। कबूतर जो होता है बच्चों, एक शांति प्रिय पक्षी है, वह बहुत ही अच्छा पक्षी है बच्चों, है ना। इसलिए वह क्या होता है, इंसानों के साथ रहना पसंद करता है। कबूतर जो होता है देखने में बेहद ही आकर्षक और सुंदर होता है, इसी कारण इसको पौराणिक समय में, प्राचीन समय में बच्चों, लोग कबूतर को पालते थे। इसके द्वारा हम संदेश पहुंचाया करते थे पुराने ज़माने में, है ना। अब तो बच्चों सबके पास मोबाइल हो गई है, एक SMS जाता है, संदेश पहुंच जाते हैं, लेकिन पहले पहले तो मोबाइल नहीं थी ना, तो पहले हम कबूतर जो होता है वह संदेशा पहुंचाया करता था, है ना। कबूतर की खूबसूरती के कारण इसे प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। कबूतर का शुभ पक्षी, कबूतर को जो है ना बच्चों शुभ पक्षी माना जाता है। अगर घर में कबूतर लोग पालते हैं तो जानते हैं इसे इससे कहा जाता है कि घर में लक्ष्मी माता का वास होता है ना बच्चों। कबूतर बहुत ही अच्छा पक्षी होता है। चलिए तो हमने कबूतर के बारे में जान लिया। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आखिरी में एक और पक्षी है बच्चों, जो है कौवा, है ना। आज हम जानेंगे क्रो के बारे में। CROW, क्रो। क्रो मीन्स कौवा। हाँ मैं जानती हूँ, कौवा को तो कोई पसंद नहीं करता है क्योंकि उसकी आवाज़ कड़क होती है। लेकिन जानते हैं बच्चों, कौवा जो होता है वो काले रंग का होता है, और जानते हैं कड़क आवाज़ की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। कौवा एक मध्यम वर्ग का पक्षी है जिसका गुण जो है अन्य पक्षियों की तुलना में अलग होता है बच्चों। कौवा बहुत ही बुद्धिमान होता है। हाँ बहुत ही बुद्धिमान होता है बच्चों कौवा। वह चतुर पक्षी होता है जिसकी दो आँखें होती हैं, दो पंजे तथा एक जो होता है बच्चों नुकीली चोंच होती है। इसके अलावा कौवे के दो पंख भी होते हैं जो उड़ने में उन्हें मदद करती है ना बच्चों। और कौवे की आवाज़ कैसी होती है, कड़क होती है, जैसे देखिए, हाँ ऐसी आवाज़ होती है बच्चों। चलिए तो हमने आज 5 पक्षियों के नाम जाने हैं बच्चों, ठीक है। तो 5 पक्षियों के बारे में आप भी बहुत अच्छे से तरीके से समझ गए होंगे। मेरी पूरी वीडियो देखेंगे तभी पक्षियों के बारे में समझेंगे। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो में और लाऊंगी बच्चों। बस आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखा कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।